नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज साथियों हम आपको एजुकेट करेंगे, बताएंगे होम्योपैथी में पाइल्स की बवासीर को ठीक करने की 10 कारगर दवाओं के बारे में। यह दवाएं अत्यंत कारगर हैं आपके पाइल्स को परमानेंट सही करने के लिए, बस शर्त है आप अपने लाइफ स्टाइल में भी तब्दीली कर लें, जिस कारण से आपको पाइल्स हुआ इसको आप ज़रूर दूर कर लें। साथियों, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पाइल्स होता क्या है। पाइल्स यानी बवासीर आपके जो एलिमेंट्री कनाल होता है, आंत के टर्मिनल पोर्शन जिसको रेक्टम कहते हैं, उसकी वेंस में जब स्वेलिंग आ जाती है, उसकी नसों में जब स्वेलिंग आ जाती है तो इसको पाइल्स कहते हैं। यह वेंस और सराउंडिंग टिश्यू प्लस मस्कुलर टिश्यू तीनों की सूजन को मिला के पाइल्स बनता है। बवासीर के साथियों कारण हम सब बहुत लोगों को पाइल्स होता है और उससे आप लोग मालूम भी रहता है। एक बहुत बड़ा कारण है सिडेंट्री लाइफस्टाइल, दूसरा कारण है लगातार कब्ज बने रहना और इसी तरह तमाम अन्य कारण हैं जो आपके हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में नॉर्मल जीवन में ये दो कारण हैं जो बहुत अहम हैं। एक आपका सिडेंट्री लाइफस्टाइल, दूसरा आपके कब्ज बने रहना, पखाना करने में पॉटी करने में ज़्यादा जोर लगाना, स्टूल का हार्ड होना, ये सारी चीज़ें हैं जो पाइल्स का आपको कॉज कर देती हैं। आपके रेक्टम के टर्मिनल पोर्शन में यह सूजन उत्पन्न कर देती हैं। फिर साथियों, पाइल्स चार तरह का होता है। आप अपनी इंटेंसिटी पाइल्स की खुद ग्रेड को क्लासिफाई कर सकते हैं। ग्रेड वन पाइल्स वो होता है जो आपकी आंत के अंदर, रेक्टम के अंदर ही सूजन होती है और आपको बाहर से पता नहीं लगती है, लेकिन वह सूजन होती है। दूसरा ग्रेड साथियों पाइल्स का वो होता है कि जब आपकी आंत में जो है वो वेंस स्वेल करती हैं और वो पॉटी करते वक्त, पखाना करते वक्त वो बाहर आती हैं, लेकिन फिर वह अपने आप अंदर चली जाती हैं जब आप पॉटी करके उठते हैं। ग्रेड थ्री होता है साथियों तब जब आपके वह वेंस का गुच्छा बाहर आता है और आप उसको हाथ से अंदर पुश करते हैं, वह अंदर चला जाता है और अंदर रहता है। और एक फोर्थ ग्रेड साथियों जो बुरी स्थिति होती है वो ये होती है कि आपके जो वेंस का गुच्छा नुमा जो बनता है, वो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो बाहर आ गए और वो बाहरी रहते हैं, यानी मस से बाहर रहते हैं। तो यह चार ग्रेड में ब्रॉडली पाइल्स क्लासीफाई होता है। अब साथियों हम लोग आते हैं, इसको पाइल्स हो गया तो इसको सही करने की 10 कारगर दवाओं के बारे में। यह साथियों दवाएं और यह प्रोग्राम आपकी एजुकेशन के लिए है। इसका मकसद है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो आपको पहले से थोड़ी दवाओं के बारे में जानकारी हो कि आप अपने केस को ज़्यादा अच्छी तरह से रख सकें और उनकी दवाओं को, डॉक्टर्स की दवा को इंटरप्रिटेट कर सकें। साथियों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेनफुल पाइल्स की। पाइल्स में बहुत दर्द हो रहा है, जब पेनफुल पाइल्स होता है साथियों, इसकी तीन बहुत कारगर होम्योपैथिक दवाएं हैं। सबसे पहली दवा है एलोसोकोट्रिना। एलोसोकोट्रिना 30 पावर में आप दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लेंगे तो आपका पाइल्स का पेन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। एलोस पाइल्स की सबसे अच्छी दवाओं में से एक है। दूसरी दवा साथियों पेनफुल पाइल्स के लिए है एसिड म्यूर, म्यूरेटिक एसिड 30 या एसिड म्यूर 30 आप दिन में दो दो बूंद जो है सुबह दोपहर शाम अगर जुबान पर ले लेते हैं कुछ समय अवधि तक तो आपका पेनफुल पाइल्स ठीक होने में बहुत मदद मिलेगी, आपको आराम मिलेगा। तीसरी साथियों इसकी बहुत अच्छी दवा है रिटेनिया। रिटेनिया जो है साथियों पेनफुल पाइल्स की बहुत अच्छी दवा है। अगर आपके पाइल्स में पेन हो रहा है तो आप रिटेनिया 30 दिन में दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले लें तो आपका पेनफुल पाइल्स की स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। फिर साथियों दूसरी स्थिति जो स्वाभाविक तौर पे पाइल्स के साथ ज़्यादातर लोगों में आती है वो होती ब्लीडिंग पाइल्स, पाइल्स के साथ खून बह रहा है। तो साथियों अगर आपके अत्यधिक खून बह रहा है, अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए साथियों आप जो है वह फॉस्फोरस और हेमिमिलिसिस की दवा है। अगर आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी बहुत कारगर दवा तुरंत रोकने की है हेमिमिलिस। हेमिमिलिस 30 आप दिन में दो दो बूंद दिन में 3 बार जुबान पर यदि ले लेते हैं तो आपका पाइल से हो रही ब्लीडिंग तुरंत रुक जाएगी। दूसरी दवा साथियों इसकी है जब आपको ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन यानी बहुत हार्ड स्टूल के साथ कॉन्स्टिपेशन है तो इसकी बहुत अच्छी दवा है फॉस्फोरस। ब्लीडिंग पाइल्स ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन के साथ रोकने की बहुत कारगर दवा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 1 mg यानी 1000 पावर में आप हफ्ते में 1 बार प्रति हफ्ता खुराक ले लेंगे तो भी आपका ब्लीडिंग पाइल्स ठीक हो जाएगा। तीसरी स्थिति साथियों आती है पाइल्स विथ कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत बहुत ज़्यादा है, पाइल्स हो गया, पॉटी जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है।
इसकी साथियों बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में है, जिसकी पहली दवा का नाम है साथियों नक्सोमिका। नक्सोमिका 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार अगर आप ले लेते हैं सुबह दोपहर शाम, तो आपका जो पेनफुल पाइल्स है, कॉन्स्टिपेटर के कारण पाइल्स है, इसमें बहुत आराम मिलेगा। दूसरी दवा साथियों है कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया 30 भी आप दो दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, यह आपके कॉन्स्टिपेटेड पाइल्स में बहुत आराम देगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि पाइल्स विद बैकएक, पाइल्स हो रहा है, बवासीर हो गया और साथ में बैकएक हो गया है, पीठ में बहुत दर्द है, अगर आपकी यह स्थिति बनती है साथियों तो उसकी दवा है एस्कुलस। एस्कुलस 30 दो दो बूंद यदि आप दिन में 3 बार ले लेते हैं तो आपका जो पाइल्स विद बैकएक है इसमें साथियों आपको बहुत आराम मिल जाएगा, बहुत ही फ़ायदा मिल जाएगा। दूसरी दवा साथियों पाइल्स विद बैकएक की दूसरी दवा जो साथियों है वह है कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार यदि आप ले लेते हैं तो भी जो आपके पाइल्स विद बैकएक है उसमें बहुत आराम मिल जाएगा और आप रिलीफ पा जाएंगे। उसके बाद साथियों आपका कॉन्स्टिपेशन पाइल्स हो गया, बैकएक पाइल्स हो गया, उसके बाद स्थिति आती है कि प्रोट्रूडिंग पाइल्स है। आप जब पॉटी जाते हैं तो आपके मस्से बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, तो प्रोट्रूडिंग पाइल्स के साथ ही होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा प्रोट्रूडिंग पाइल्स की सबसे अच्छी या प्रोलैप्सिंग पाइल्स की जिसे कहते हैं सबसे अच्छी दवा है इलोस। इलोस 30 दो दो बूंद यदि आप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले लेते हैं तो आपके मस्से जो बाहर आ रहे हैं बवासीर के हेमरॉइड्स वो बाहर आ रहे हैं तो उसमें आपको बहुत आराम मिल जाएगा। दूसरी दवा साथियों प्रोट्रूडिंग पाइल्स की है एसिड म्यूर। एसिड म्यूर 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम यदि आप ले लेते हैं तो भी आपका जो पाइल्स है उसमें आपको आराम मिल जाएगा। और तीसरी दवा साथियों इसके लिए बहुत अच्छी दवा है जब आपके मस्से बाहर आ रहे हों, प्रोट्रूड कर रहे हों, कॉस्टिकम। कॉस्टिकम 30 आप दो दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले लें, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा और आपके जो प्रोट्रूडिंग पाइल्स है उसमें बहुत आराम मिल जाएगा। फिर साथ एक स्थिति आती है ब्लाइंड पाइल्स की। पाइल्स ब्लाइंड है, उसमें ब्लड नहीं आ रहा लेकिन तकलीफ आपको बहुत हो रही है, तो साथियों उस स्थिति की दवा है एस्कुलस। एस्कुलस 30 दो दो बूंद यदि आप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम जुबान पे ले लेते हैं तो आपका जो ब्लाइंड पाइल्स है इसमें आपको बहुत राहत मिलेगी और यह ठीक होने की कगार पे आ जाएगा। दूसरी दवा साथियों ब्लाइंड पाइल्स की ही बहुत अच्छी दवा है रिटेनिया। रिटेनिया 30 दो दो बूंद यदि आप दिन में 3 बार ले लेते हैं तो भी आपके ब्लाइंड पाइल्स को बहुत आराम मिलेगा, जो कि बहुत पेनफुल है। और तीसरी और इसकी आखिरी दवा जो ब्लाइंड पाइल्स की बहुत अच्छी है वह है नक्सोमिका। नक्सोमिका 30 दो दो बूंद आप दिन में 3 बार ले लें तब भी आपका ब्लाइंड पाइल्स ठीक हो जाएगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि म्यूकस पाइल्स। पाइल्स में म्यूकस आ रहा है, आँव आ रहा है, तो इसके लिए साथियों बहुत कारगर दवा है इलोस 30। आप में से बहुत लोगों ने ली भी होगी लेकिन हम आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, आप एक कॉम्बिनेशन लीजिएगा। इलोस 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें आप जब आपको म्यूकस पाइल्स है, और साथ में एंटीम क्रूड ले लें। एंटीम क्रूड 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें और नक्सोमिका 30 ले लें। इन तीनों दवाओं का कॉम्बिनेशन आप दो दो बूंद यदि दिन में 3 बार ले लेते हैं तो आपका जो है यह ब्लाइंड पाइल्स में भी आपको बहुत आराम मिल जाएगा और आप लाभ पा जाएंगे। फिर साथियों एक स्थिति और आती है, मैं आपको सारी स्थिति बता रहा हूँ कि इसमें से आप देख सकते हैं आपको क्या स्थिति है। इचिंग पाइल्स, पाइल्स में खुजली बहुत हो रही है, कहीं बैठे हैं खुजली होने लगी तो बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाती है, तो अगर आपको इचिंग पाइल्स है बवासीर के साथ उसमें खुजली भी है तो साथियों इसकी बहुत अच्छी दवा है पियोनिया। पियोनिया 30 दो दो बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, आपका जो इचिंग पाइल्स है इसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा साथियों अगर आपको इचिंग पाइल्स है तो आप इसमें जो है वह नक्सोमिका 30 के साथ साथ आप सल्फ़र भी ले सकते हैं। सल्फ़र 1 mg पावर की अगर आप वीकली डोज ले लेते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। और तीसरी दवा नक्सोमिका 30 है, तो अगर आपको इचिंग पाइल्स है तो सल्फर 1 mg पावर में आप ले लें, नक्सोमिका 30 ले लें और तीसरी दवा पियोनिया 30 ले लें। इन दवाओं से आपका इचिंग पाइल्स में बहुत आराम मिल जाएगा। फिर साथियों एक स्थिति और आती है कि प्रेगनेंसी है और पाइल्स हो गया, प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स हो गया,
प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, जिसकी पहली दवा है एस्कुलस। एस्कुलस 30 दो बूंद आप दिन में 3 बार ले लें तो आपका प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग का जो पाइल्स है उसमें आपको बहुत आराम मिल जाएगा और यह आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी हार्मफुल नहीं है। दूसरी दवा साथियों इसकी है कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया 30 दो बूंद यदि आप दिन में 3 बार ले लेते हैं तो भी आपकी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग पाइल्स में बहुत आराम मिल जाएगा। तीसरी दवा साथियों अगर आपको जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स हो गया है तो उसकी बहुत कारगर दवा है नक्सवोमिका। नक्सवोमिका 30 दो बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, सुबह दोपहर शाम ले लें, उससे भी आपके पाइल्स में बहुत रिलीफ मिल जाएगा जो कि आपका प्रेगनेंसी के दौरान हुआ है। फिर साथियों एक आखिरी कंडीशन जो हम क्लासिफाई कर सकते हैं आती है वह है कि जब डिलीवरी हो गई आफ्टर पैचुरेशन जो है आपके पाइल्स हो गया, बच्चा होने के बाद आपके बवासीर हो गया, पाइल्स हो गया, हिमरॉइड्स हो गया, तीनों एक ही चीज़ है। तो यदि ये आपको हो गया तो आप क्या करें, इसकी होम्योपैथी में 3 बहुत कारगर दवा है वो हम आपको बताते हैं। तो प्रेगनेंसी पैचुरेशन के बाद पाइल्स हो रहा है तो इसकी कारगर दवा है कालिकार। कालिकार 30 आप 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, सुबह दोपहर शाम इसकी 2 बूंद ले लें, आपकी जो पाइल्स आपको डेवलप हुआ है आफ्टर प्रेगनेंसी वो ठीक हो जाएगा। दूसरी इसकी बहुत कारगर दवा है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम 30 2 बूंद यदि आप दिन में 3 बार ले लेते हैं तो भी आपके जो है पाइल्स में बहुत आराम मिल जाएगा जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी आफ्टर पार्चुरेशन बच्चा होने के बाद हुआ है। तो साथियों यह कुछ कारगर दवा थी आपके पाइल्स के विषय में। आप अपनी स्थिति को क्लासिफाई करके इन दवाओं को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप बेहतर यही है और मैं राय दूंगा, ये बल्कि एक पक्की राय दूंगा कि आप जो है किसी कुशल डॉक्टर से पूछ के ही दवा लें क्योंकि होम्योपैथी में स्थिति और दवाएं दोनों भिन्न भी हो सकती हैं। हमारा ये प्रयास था एक जागरूकता लाने का होम्योपैथी के विषय में आपको और तमाम जो फार्मासिस्ट क्लिनिक चला रहे हैं, क्वैक्स चला रहे हैं, उनके लिए कि कम से कम उनको सही दवाओं की दिशा में मोड़ा जा सके। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको संतोषजनक उत्तर दें या फिर आप कमेंट पोर्शन में लिखकर हमसे वह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि आपको हम इसका उचित और संतोषजनक उत्तर दे पाएँ। अगर आपको साथियों यह प्रयास पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करिए ताकि यह जानकारी सब तक पहुंच पाए और जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको आप दबा दीजिए एक बार ताकि कोई भी वीडियो हम लोग डालें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, आपको उसकी जानकारी हो जाए। धन्यवाद साथियों।